हेलो एंड वेलकम टू टुडे सेशन माई सेल्फ प्रोफेसर रोशन ने फ्रॉम एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो स्टूडेंट इन लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द बायोमास पावर प्लांट जिसमें हमने देखे कि बायोमास पावर प्लांट से किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं जनरेट करते हैं वो हमने देखे है उसी बायोमास पावर में भी हमने मुंसिपल वेस्ट के बारे में बात किए थे यानी सिपल वेस्ट यानी जो कूड़ा कचरा जो होता है अब इससे हम पावर प्लांट कैसे चला सकते हैं या उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे ये हमें आज इस वीडियो में देखना है सो टॉपिक इज नथिंग बट अ पावर प्लांट सो लेटेस्ट स्टार्ट अ वीडियो विथ फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम द कोर्स आउटकम इज मेंटेन द ऑप्टिमाइज वर्किंग ऑफ सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट द लर्निंग आउटकम आर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ मुंसिपल पावर प्लांट यानी जो म्यूनिस्पल वेस्ट है उस पावर प्लांट से किस तरीके से ऑपरेशन होता है ये हमें इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना है सो नाउ फर्स्ट वी सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मुंसिपल पावर प्लांट द म्युनिसपल पावर प्लांट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ थर्मोकेमिकल पावर प्लांट। इसको थर्मोकेमिकल पावर प्लांट भी बोला जाता है द बायोमास पावर प्लांट इज कॉल्ड एज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एग्रोकेमिकल पावर प्लांट। एंड अनदर वन दैट इज अ बायोकेमिकल पावर प्लांट जो कि बायोगैस पावर प्लांट है वो हमें आगे पढ़ना ही है सो म्यूनिस्िपल पावर प्लांट इज सेम एज लाइक एज अ बायोमास पावर प्लांट इसका डायग्राम भी आपको सेम वैसा ही दिखेगा क्या किया है कि यहाँ पे मुंसिपल जो सॉलिड वेस्ट है वो मुंसिपल सॉलिड वेस्ट मुंसिपल पावर प्लांट से ये लाया जाता है यानी मुंसिपल से लाया जाता है जो कूड़ा कचरा जो होता है इसको लाके हम क्या करते हैं पहले जो लो ग्रेड कॉयल होता है लो ग्रेड कोल होता है इसके साथ हम मिक्स करते हैं उस लो ग्रेड कोल के साथ मिक्स करके हम उस म्युनसिपल वेस्ट को क्या करते हैं बॉयलर में एंटर करते हैं बॉयलर क्या करता है इस मुंसिपल वेस्ट को उस कोल के साथ बर्न करता है और बर्न करके लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी में जनरेट करता है उस हीट एनर्जी से क्या होता है जो बॉयलर के अंदर जो वॉटर होता है वो वॉटर हीट होता है एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इन द स्टीम नाउ वो जो स्टीम होता है बॉयलर का इट शुड बी गिवन टू द टर्बाइन यानी स्टीम टरबाइन को हम उस स्टीम को प्रोड्यूस कर किया हुआ स्टीम है उस स्टीम को स्टीम टरबाइन को देते हैं जिसके वजह से ये जो स्टीम टरबाइन है वो क्या होता है रोटेट होता है अब इस टरबाइन के साथ हम जनरेटर को क्या करते हैं कपोल्ड करते हैं अब जनरेटर कपल रहने के वजह से जिस स्पीड में अपना टरबाइन रोटेट होता है उसी स्पीड में क्या रोटेट होता है जनरेटर रोटेट होता है जिसके वजह से जनरेटर क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एंड नाउ दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू द लोड अब जो बॉयलर होता है ये बॉयलर में क्या कर रहे हैं अपन म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट और साथ में अपन क्या कर रहे हैं कोल को अपन क्या कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं जो लो ग्रेड कोल होता है जिसमें कैलरफिक वैल्यू किसकी होती है कम होती है ऐसा कोल हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं और म्यूनिसपल वेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है जलने के बाद यानी अनवांटेड वेस्ट डिस्पोजल तो ये जो अनवांटेड वेस्ट है उसको अपन डिस्पोज करते हैं जो राख निकलती है जो धुआं निकलता है उसको चिमनी के द्वारा करेंगे जो ऐश निकलेंगी उस ऐश को प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे तो इस तरीके से ये जो म्युनसिपल पावर प्लांट है वो क्या करता है वर्क करता है सो दिस इज द वेरी सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ म्यूनसिपल पावर प्लांट ठीक है अब इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है जो आपको फंक्शनल डायग्राम है ये फंक्शनल डायग्राम आपको दिख रहे होंगे स्टोरेज ऑफ बायोमास द बायोमास इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ अंसिपल वेस्ट तो यहाँ पे म्यूनिस्पल वेस्ट रखा जाता है जो कोल के साथ मैंने आपको बताया कि जो लो कैलफिक कोल है उसके साथ मिक्स करते हैं वो मिक्स किया हुआ लो कैलफिक के साथ मिक्स किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको बॉयलर में देते हैं बॉयलर में उसको जलाया जाता है उसके वजह से वाटर को क्या करते हैं हीट करते हैं जो कि स्टीम में कन्वर्ट होता है स्टीम कहा जाता है टर्बाइन में टर्बाइन रोटेड होता है टर्बाइन जनरेटर के साथ कैसा होता है कपल्ड होता है कपल्ड होने की वजह से टर्बाइन रोटेड होता है, रोटे है जनरेटर रोटेड होता, रोटे होता है और जनरेटर क्या करता है जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी अब बचा हुआ टर्बाइन से बची हुई स्टीम ये कंडेंसर में आती है कंडेंसर में वो कंडेंस होती है और कंडेंस होके दोबारा वाटर में कन्वर्ट होती है और फिर उस दोबारा वाटर को हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं बॉयलर में अब यहाँ पे चलने के बाद ऐश निकलती है उस ऐश को हम डिस्पोज करते हैं और जो अपना फ्लू गैस निकलती है यानी धुआं निकलता है उसको चिमनी के द्वारा रिलीज किया जाता है तो बहुत ही सिंपल इसका फंक्शन है मुंसिपल पावर प्लांट का वर्किंग है तो सेम ये बायोमास पावर प्लांट के वर्किंग के सेम है दोनों का जो वर्किंग है वो सिमिलर टाइप का वर्किंग है सेम ही वर्किंग है कुछ भी चेंजेस नहीं है सिर्फ बायोमास पावर प्लांट में बायोमास ये अपन एग्रीकल्चर वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं मुंसिपल पावर प्लांट में मुंसिपल वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कूड़ा या कचरा होता है ठीक है सो इसका वर्किंग जो अपन ने अभी पढ़े सेम द म्यूनसिपल वेस्ट इज कलेक्टेड एंड देन इट सेपरेटेड ऑल द सॉलिड वेस्ट इज रिमूव एंड कलेक्टेड इसको सेपरेट करते हैं सॉलिड वेस्ट को अलग लिक्विड वेस्ट को अलग कलेक्ट किया जाता है जो जो अपने को पता है सूखा कचरा कचरा गीला अपन अलग अलग इस्तेमाल करते हैं ना उस तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है फिर क्या करते हैं देन इट पास द बॉयलर टू बर्न द बॉयलर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन इट आफ्टर द बॉयर इज हिटेड द वॉटर इन साइड द बॉयलर गेट्स हिटेड यानी बॉयलर के अंदर उस वाटर को क्या किया जाता है हीट किया जाता है इस वेस्ट को अपन जला के ठीक है अब उसके वजह से क्या होता है द हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस इन द बॉयलर एंड दैट स्टीम इज देन पास टू द टरबाइन फ्रॉम द नोजल ऑफ द बॉयलर यानी बॉयलर के नोजल से वो स्टीम को फिर अपन टरबाइन के पास प्रो टरबाइन के पास पास करते हैं वो प्रेशराइज स्टीम को जिसके वजह से हाई प्रेशराइज स्टीम द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन विल रोटेड जो ब्लेड्स है टर्बाइन के रोटेड होते हैं जिसके वजह से टर्बाइन का शार्प्ट क्या होता है रोटेड होता है एंड इस कपल टू द शार ऑफ द जनरेटर और उसके वजह से फिर क्या होता है जनरेटर रोटेड होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द टर्बाइन द जनरेटर विल ऑल्सो रोटेड एंड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस जिसके वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ठीक है तो ये सिंपल और बहुत ही सिंपल और सेम इसका वर्किंग है जो बायोमास पावर प्लांट के सेम है म्युंसिपल वेस्ट पावर प्लांट सो अभी तक इस वीडियो में हमने मुंसिपल पावर वेस्ट जो पावर प्लांट है इसके बारे में अपन ने पढ़े इसका जो वर्किंग है वो अपन ने पढ़े ठीक है देन कितने पार्ट्स इसमें कन्वर्ट होते वो अपन ने पढ़े ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़े नाउ द असाइनमेंट क्वेश्चन विल बी आस्ट फॉर अ फोर मार्क्स ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मुंसिपल पावर प्लान और थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लान ये फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सो so आप लोगों को ये स्टूडेंट आपको कॉपी में लिखना है गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको अपलोड करके मुझे रिटर्न भेजना है नाउ वॉट आर द प्रोग्राम आउट का मैपिंग सो देन बाय यूजिंग दिस टॉपिक ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा पी ओ वन मैप होता है क्योंकि हमने यहाँ बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़े देन पी ओ टू भी मैप होता है क्योंकि यहां हमें डिसिप्लिन नॉलेज के बारे में पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेटेड ये टॉपिक है देन पीओ थ्री भी सैटिस्फाइड होता है क्योंकि यहाँ डायग्राम्स है उन डायग्राम की हमें प्रैक्टिस करना है इंडिविजुअली या ग्रुप में सो इसलिए पीओ थ्री भी हमारा सेटिस्फाइड होता है पीओ सिक्स ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज दिस टॉपिक इज एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी को सस्टेनेबल करने वाला टॉपिक है देन पीओ नाइन ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज हियर वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड पीओ टेन इट विल बी यूज फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इट शुड बी सेटिस्फाइड द पी वन दैट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम वन बिकॉज दिस टॉपिक इज स्पेसिफाइड और इट विल बी रिलेटेड विथ अ पावर सिस्टम पावर सिस्टम के रिलेटेड है इसलिए पी भी क्या होता है यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच इन नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट वीडियो में बायो जो बायोबास पावर सॉरी जो बायोकेमिकल बेस्ड जो पावर प्लांट है वो हमें देखना है जो बायोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट का मतलब होता है बायोगैस पावर प्लांट प्लान्टो बायोगैस पावर प्लांट के बारे में आपने इसके पहले भी जाना है बहुत बार आप लोगों ने पढ़े भी है बायोगैस पावर प्लांट में जो लोअर से लोअर आपका जो क्लास होते हैं इन लोअर क्लास में आप लोगों ने बायोमास पावर प्लांट के बारे में पढ़े हैं जहाँ बायोगैस कैसे प्रोड्यूस की जाती है वो अपन ने देखे अभी हम क्या करेंगे उसी बायोगैस का हेल्प लेके हम प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी उसी बायोगैस के हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करेंगे ठीक है सो so, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो